वेल अश्मित, जिस तरह से रिस्पांस मिला जयो में, खासकर आपके किरदार को, एक्सपेक्ट था कुछ इस तरह से जब आपको स्क्रिप्ट मिला था? देखिए, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, सोहेल भाई ने जब नरेट किया था मुझे, तो मुझे लगा कि ये कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि सलमान भाई ने पहले ऐसी फिल्म की नहीं है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं कमर्शियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, एक सोशल मैसेज है. तो मुझे पहले से ही लगा कि ये एक स्पेशल फिल्म होगी और मुझे इस फिल्म का एक हिस्सा बनना है. जी, बट सलमान के होने से कहीं ना कहीं आपके किरदार को कहीं ना छुपा दिया गया था, ये मानते हैं? वो मुझे पहले से पता था कि सलमान खान की फिल्म है और मैं सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ. और सलमान भाई ने जब मुझसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अश्मित तुम ये रोल करो, क्योंकि मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूँ, एक कंफर्ट लेवल है, हम काफ़ी करीब के दोस्त, नहीं कहूँगा मैं, एक फैमिली के जैसे, वो मेरे बड़े भाई के जैसे हैं. तो उन्होंने कहा कि ये जो किरदार है वो एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म में जो दो साइड में हीरो के जो दोस्त होते हैं वैसे दोस्त नहीं है. यश और मेरा जो किरदार है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, क्योंकि वो सलमान भाई के जो का जो कैरेक्टर है, किरदार है जय, उसके हर एफर्ट में, हर चीज़ में उनको बहुत सपोर्ट देते हैं. और उन्होंने ऑब्वियसली मुझे एक कैरेट भी डैंगल किया, उन्होंने कहा कि आपके सामने एक बहुत खूबसूरत हीरोइन होगी. उन्होंने ऑब्वियसली पहले से बताया नहीं कि हीरोइन कौन होगी, बाद में उन्होंने बताया कि बुना अब्दुल्ला मेरे सामने होगी और गाने होंगे, ये होंगे, वो होगा, लेकिन मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था. मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था, क्योंकि पहले तो मेरे दोनों भाई सोहेल भाई और सलमान भाई इस फिल्म ऑब्वियसली प्रोड्यूसर और एक्टर हैं, वो मेरे फैमिली के जैसे हैं और मुझे उनको सपोर्ट करना था. और सलमान भाई के साथ पहली बार एक फिल्म में काम करने का मौका मिला है, तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी, मुझे करना ही था. जी, सलमान भाई के साथ आपकी दोस्ती 2010 से शुरू, जहाँ तक मैं जानता हूँ बिग बॉस के बाद, फिर बिग बॉस? नहीं, एक्चुअली मैं उन्हें पहली बार यहाँ पे मेरे घर में मिला था. वो मेरी बहन के साथ एक फिल्म करे थे, ये है जलवा. तो शूट के बाद, वो पैकअप के बाद, वे यहाँ पे घर पे आए थे और मैं तभी कॉलेज में पढ़ रहा था अमेरिका में, और मैं हॉलीडेज़ के लिए वापस इंडिया आया था, और मैं बॉडी बिल्डिंग तभी भी करता था, मैं काफ़ी स्पोर्ट्स वॉर्ट्स खेलता था. तो मैंने उनको काफ़ी परेशान किया था, मैंने बहुत सारे सवाल किए थे बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और हमारी ट्यूनिंग तब से थी. तो जब मैं वापस इंडिया आया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, तब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इनफैक्ट उन्होंने मुझे इनक्रेज किया कि आपको करना चाहिए. वो खुद मुझे ट्रेन करते थे उनके जिम में, एक्शन की ट्रेनिंग उन्होंने करवाई मेरी, हॉर्स राइडिंग वगैरह सब चीज़ें उन्होंने मतलब ध्यान दिया कि मैं सब अच्छे से करूं. और जब भी वो आउटडोर पे जाते थे तो वो सोहेल भाई को कहते थे कि अश्मित को ट्रेन करना जिम के अंदर. तो मैं काफ़ी मतलब 10 या 12 साल से जानता हूं उन्हें. कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जिस तरह से आपका करियर तकरीबन 2000 से शुरू हुआ, 2002 से शुरू हुआ आपका करियर, तो जो डिसअपॉइंटिंग कई कई फिल्मों में आपने देखा, जिस तरह से बैकअप बैक हुआ, सलमान भाई उस दौरान कुछ आपको टिप्स वगैरह दिए नहीं? उनकी करियर में भी इतने अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, हर एक एक्टर के करियर में उतार चढ़ाव तो होती ही रहती है. तो वो सिर्फ ये कहते थे कि जस्ट बी पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग. बीच में उन्होंने मुझे एक दो फिल्म भी ऑफर की थी, बॉडीगार्ड ऑफर किया था, लेकिन उस वक्त पे मैं किसी और चीज़ में बिजी था तो मैं कर नहीं पाया. तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका हाथ एक तरह से मेरे सर के ऊपर हमेशा से रहा है, और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द सुपर स्टार ही इज़, बट बिकॉज द सुपर स्टार ह्यूमन बींग दैट ही इज़. फिटनेस की बात हो तो देख के लगता है कि सलमान से आपने काफ़ी टिप्स लिए. हाँ, मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं शुरुआत में जब मैं वापस इंडिया आया था, मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैं पहले से ही काफ़ी मतलब हर स्पोर्ट में हिस्सा लेता था. मैं अपने स्कूल रग्बी कैप्टन था, हर टीम में मैं शामिल था, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, मैं हर स्पोर्ट में हिस्सा लेता था. सो आई वॉज़ वेरी एथलेटिक, बॉडी हमेशा मेरी ठीक ठाक रहती थी. जिम ज्वाइन करने के बाद ऑब्वियसली डोले शोरे बढ़ गए, और थोड़ी सी न्यूट्रिशन की टिप्स और खाने पीने पे ध्यान देना मैंने शुरू किया, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे. आफ्टर वाचिंग जय हो, किस तरह का रिस्पांस था, खासकर फैमिली या आपके दोस्त, चाहे सलमान हो या फिर सोहेल भाई हो, किस तरह का रिस्पांस था? सोहेल भाई बहुत खुश है मेरे काम से. इनफैक्ट परसों ही मेरी बात हुई उनसे, और वो
दुबई से लौटे थे, तो वो बहुत बहुत खुश थे, वो कह रहे थे कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ने मेरा इतना सपोर्ट किया, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद डायरेक्ट कर रहे थे, कुछ 10-12 साल के बाद, और वो कम्फर्ट लेवल उनको भी चाहिए थी सेट पे कि वो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं इतने लंबे अरसे के बाद. सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी विथ माई वर्क. और शूट के दौरान उन्होंने मुझे एक बाइक प्रॉमिस की थी, सुजुकी एक बाइक है जो सलमान भाई इंडोर्स करते हैं, सुजुकी इनोजुमा, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है. तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बाइक लॉन्च होती है वो एक बाइक आपकी होगी, एक बाइक सलमान की होगी.